तो बेसिकली दोस्तों दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में वैकेंसी आउट हुई थी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें 10th पास मांगा गया था, जिसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था दोस्तों 11 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से पहले पहले वहां पे कैंडिडेट काफी पहुंचे थे। दोस्तों मेरे को पर्सनल मैसेज भी आए थे और कमेंट सेक्शन में ये काफी मैसेज आते कि सर वहां पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी जबरदस्त अपडेट आई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आज की डेट में, उसमें बताया गया कि टोटल 192 कैंडिडेट अवेलेबल थे। वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखना क्योंकि आने वाले समय में जो वैकेंसी आ सकती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और इसके बारे में भी आपको पूरी सटीक जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली इन्होंने जो अपडेट दिया है वहां पे इन्होंने मेंशन किया है टोटल 192 कैंडिडेट अवेलेबल थे। टोटल कैंडिडेट्स में से दोस्तों फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने निकाल दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो कैसे था, ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाले समय में जो वैकेंसीज आउट हो सकती हैं इसमें आपका ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों इन्होंने पहले एक रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करा था जो कि 30 नंबर का था, उसके बाद इन्होंने एक वाइवा कंडक्ट किया जो कि 20 नंबर का था, यानी कि टोटल आपके हो गए 50 नंबर। अब दोस्तों बात करते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका क्या क्राइटेरिया रहा है। तो बेसिकली दोस्तों 192 कैंडिडेट्स में से वाइवा के लिए इन्होंने सिलेक्ट करे थे 15 कैंडिडेट, जिसमें से वहां पे अवेलेबल थे टोटल 11 कैंडिडेट, यानी कि जो 11 कैंडिडेट थे उनमें फाइट थी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब दोस्तों जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हुआ है उसका नाम है अंकुश सूद और जो उनकी एज है वो है 26 वर्षीय। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इनको कितने नंबर मिले हैं। इनके थ्योरी में नंबर थे 30 में से 26 और वाइवा में से 20 में से 16, यानी कि इनके जो टोटल नंबर हुए वो है 42। तो यानी कि हमें पता चलता है इससे कि आप अगर जो अपनी तैयारी अच्छी करेंगे तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों जो इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली है वो 7 कैंडिडेट्स की निकाली है, यानी कि अंकुश सूद जी ने 1 फरवरी से 5 फरवरी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो 2nd नंबर पे जिनका नाम है वो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्टली इनकी एक अपडेट डाल दूंगा जो कि इनका नोटिस आउट हुआ है उसको एक बार आप जरूर रीड आउट कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है और ये आपके लिए बेनिफिशियल किस लिए है। दोस्तों देखिए ध्यान रखिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, ये जो रिक्रूटमेंट होती है दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट के तहत होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब थी, ऐसे प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, कभी भी जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट के बारे में अवेयर करूंगा और आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।